भगवान चार रूपों में आए, भरत भी नारायण ही हैं, लक्ष्मण भी नारायण ही हैं और रिपुदमन भी, शत्रुघ्न भी, चारों माताओं को वो अनुभव हुआ। अरुंधति नित्य आने लगी कि किस प्रकार का आहार विहार विचार हो, वे नित्य शास्त्र श्रवण कर आती, नित्य उन्हें उपदेश देने आती, गर्भवती स्त्री को भय न लगे, कभी वो भयभीत न हो, चिंतित न हो, उसका आहार कैसा हो, विश्राम कैसा हो, उसे क्या सुनाया जाए, विशेषकर उसके विश्राम और निद्रा का ध्यान रखा जाए, और ऐसा करने से बालक स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, क्या सोचा जाए, क्या विचार किया जाए, गर्भिणी स्त्री को क्या बोला जाए, वो कितना चले, वो कैसा आहार विहार निहार लोकाचार करे, उसके व्यवहार में कोई अंतर ना आए, इस बात के लिए ज्येष्ठाएँ मान्याएँ अनुभव सिद्धाएँ हैं, जो ज्येष्ठाएँ हैं जो बड़ी हैं उनका विचार लेना चाहिए। हाँ, चिकित्सकों का परामर्श बड़ा आवश्यक है, औषधियाँ बहुत आवश्यक हैं, पर जो ज्येष्ठाओं के पास अनुभव हैं वो बड़े हैं। सीमंतो नयन संस्कार, और ऐसा भी कहते हैं कि ये दोनों संस्कार जब संपन्न हो गए तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतुनाम षट समत्युः ततस्य द्वादशे मासे चैत्रे नावमिकै तिथौ नक्षत्रे अधिदेवत्ये सवोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यपता मिदुनाम सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौशल्या जनयद रामं दिव्यलक्षणं संयुतं। दिव्य लक्षण संयुतम्।